बेलमिंग हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सर्ट्स बाय राजेश चौधरी एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक फार्मेकोलॉजी ऑफ द कोल्ची सिन दिट इज अस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ट गॉड तो आज वीडियो में हम बात करेंगे कोलचिसिन के बेसिक फार्मोटोलॉजी के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एक्यूट गॉड के ट्रीटमेंट के लिए बात करें तो तो इस टॉपिक की uh, awesome uh, 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 तो दिस टॉपिक कम अंडर द फिफ्थ फार्माकोलॉजी टू ऑफ द फार्मेसीज स्ट्रीम एंड यूनिट नंबर थ्री ऑटोकॉइट्स एंड द रिलेटेड ड्रग्स तो ये जो टॉपिक है वो आपके फार्मेसी के फिफ्थ सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी के इंटरव्यू आते हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच माई फ्रियस वीडियो रिगार्डिंग द फाराकोलॉजी यू कैन चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लो और बाय दिस लिंक सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द topic so before going to discuss about the pharmacology of colchicine, we should discuss some basics of god so what is the god so GORT is the uh, painful inflammatory joint disorders in which uh, uric crystals are accumulated in the joints and may cause inflammatory response तो अल्टीमेटली जो गॉट है एक तरीके से इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है जिस जो कि जॉइंट्स में होते हैं इसमें जो मेन फीचर्स हैं वो है आपका हाइपर मीन्स हमारे बॉडी के अंदर में हमारे ब्लड में जो है यूरिक एसिड या फिर यूरिया uh, का यूरिक एसिड का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है उससे एक तरीके से सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर में और खासकर वो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं किडनीस हैं या फिर आपके जॉइंट्स में एक्लेट होते हैं और जॉइंट्स में एक्लेट होने के कारण वो जो क्रिस्टल्स हैं वो इन्फ्लैमेटरी रिस्पॉस शो करते हैं जिससे आपको पेन होगा इन्फ्लमेशन होगा स्वेलिंग होगा रेडनेस होगा आपके कुछ जॉइंट्स एरिया पर उसको हम बोलते हैं एक्यूट उसको बोलते हैं हम लोग गाउट तो गाउट एक तरीके से इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन डिसऑर्डर्स है जिसमें बेसिकली हम बात करें ड्रग की ट्रीटमेंट की तो ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं डिटेल में तो उसको आप चेकआउट कीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि गाउट डिसीज़ क्या है और कौन से ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं तो गाउट हैं दो टाइप के हो सकते हैं एक आपका एक्यूट एक आपका एक क्रॉनिक तो एक्यूट गाउट कंडीशन में हम तीन ड्रग मेनली यूज़ करते हैं पहला ड्रग है आपका एन एस ए आई डी मीन्स नॉन स्टाडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसमें आपके इंडोमथासी है आपके नेप्रोक्सन है सोडियम्स हैं या फिर सेलेक्टिव कॉक्स इन्वीटर्स हैं कॉक्स टू इन्वीटर्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंड ड्रग है आपका कोल्चीसिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि एक तरीके से प्लांट ड्राइवड प्रोडक्ट है एल्क्लाइड है थर्ड है आपका कार्टिकोस्ट्राइड्स तो कार्टिकोस्ट्राइड्स एक तरीके से आपके इस एंटी एंटीफ्यूमटी ड्रग्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है तो अब बात करते हैं हम लोग कोल्चीसिन की डिटेल फार्माकोलॉजी के बारे में तो कोल्चिसिन इज द एल्के्कोलाइड विच ऑप्टेन फ्रॉम द ए प्लांट

एटीन ट्वेंटी लेकिन जो प्योर एक्लॉइड है कोल्चिसिन उसका जो आइसोलेशन है वो आपके एटीन ट्वेंटी में हुआ था तो ये जो पॉइंट है वो उससे क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली आते हैं जी पीटोग्राम में कि कोल्चीसिन का क्या मेन यूज़ है आपके एक्यूट गॉड ट्रीटमेंट में है कौन से प्लांट से मिलता है आपका ये कोल्चिकम ऑटोमिनल प्लांट से मिलता है कौन से ये आपके नेचर के होते हैं या आपके एरकोलाइडर नेचर के नेचर के होते हैं तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन आते हैं फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में ठीक है तो इसको आप डिटेल में याद रखिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ठीक है बात करें हम लोग इसके एक्शन की तो जैसा कि हम जानते हैं जो एन क्लास के ड्रग हैं जो नॉन एंटी एंटीफ्लामेट्री ड्रग्स हैं उनमें आपके एंटी इन्फ्लामेट्री इनाजेसिक एंटीबायोटिक एक्टिविटी होती है जो कि बहुत ही कॉमन होती हैं लेकिन ये जो ड्रग है जो कोचिशन है ना ही ये आपके एंटी इन्फ्लामेट्री ड्रग की तरह काम करता है ना ही एक तरीके से इनाजेसिक्स है मीन्स इट इज नॉट इट इस नाइदर एंटीफ्लामेटरी और नॉर नाइजेसिक्स बट स्पेसिफिकली इट सप्रेज द गॉड इन्फ्लामेशन ये एंटी इंफ्लामेट्री या इनाजेसिक कैटेगरी में नहीं आते हैं फिर भी ये स्पेसिफिकली गॉड के इंफ्लामेशन प्रोसेस को इनिबिट करता है लेकिन इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली ठीक है आगे हम बात करेंगे एंड इट डज नॉट इनिबिट द सिंथेसिस और प्रमोट द स्क्रीसन ऑफ यूरिक एसिड ना तो ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है ना उसके एस्क्रीसन को बढ़ाता है फिर भी ये आपके गॉट के लिए हेल्पफुल होगा गॉट में बेनिफिशियल इफेक्ट शो करेगा आप कैसे करेगा पता कर रहे हैं उसके मोड ऑफ एक्शन पे सो बेसिकली वन लाइन आंसर इज द इट इन डिक्रीज द और इनिबीड द माइग्रेशन ऑफ और कीमोटेक्सिस ऑफ द ग्रेनो साइटोसिस एंड फर्दर डिक्रीज द इन्फ्लामेशन प्रोसेस और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स या इन्फ्लामेटरी सिक्वेंसेस ऑफ द एक्यूट गॉट ठीक है आप कैसे तो बात करें हम लोग एक्यूट गॉट कंडीशन में क्या होता है एक्यूट गॉट मतलब होता है एक तरीके से सडन अकरिंग ऑफ द पेन ऑन द फ्यू जॉइंट साइट तो आपके जॉइंट साइट पे जो है सडनली आपके पेन प्रोड्यूस होगा ये क्यों होता है क्योंकि उसमें आपके जो सर्नाइवल फ्लूड्स हैं उसमें जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं मीन्स इंक्रीज द यूरिक क्रिस्टल्स एट द इन द स्टैबल फ्लूड एट द ज्वाइंट्स एंड मे लिड टू द एट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यूरेड क्रिस्टल्स जमा होने की वजह से उन एरिया पे उन जॉइंट्स पे आपके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इंक्रीज होंगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होते हैं कैसे होते हैं आप उसके भी हम वीडियो बना चुके हैं पैथोफिसोजी केस में उसको भी आप देख सकते हैं उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्सन बॉक्स पर दे देंगे ठीक है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में जो आपके जितने भी डब्ल्यू हैं खासकर आपके फेगोसाइट्स हैं आपके मोनोसाइट्स हैं न्यूट्रोफिल्स हैं वो कीमोटेक्सिस पाथवे के थ्रू अटैक करते हैं आपके फॉरन पार्टिकल्स पे तो यहाँ पे क्या है यूरिया क्रिस्टल्स यूरिया क्रिस्टल्स इज द फॉरन पार्टिकल्स इन दिस केस ठीक है तो उसको क्या करने के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए डैमेज करने के लिए इसको फेगोसाइटिक एक्शन शो करने के लिए तो उसकी वजह से जो है आपके फेगोसाइटो फेगोसाइट्स द क्रिस्टल्स बाय द गिल्लोसाइट्स एंड रिलीज द लाइको तो वो आपके माइग्रेशन होते हैं डब्ल्यू का आपके उस साइट्स पे और वहाँ पे जो भी क्रिस्टल्स हैं उसको टिंग करेंगे सेल हीटिंग करेंगे और आपके एक ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करेंगे और ग्लाइको प्रोटीन रिलीज होने की वजह से जो है आपके जो सेल का जो उस एरिया का जो पी एच है वो कम होगा पी एच कम होने से क्या होगा जो उसमें प्रेजेंस अन आयन आपके जो यूरिया यूरियड क्रिस्टल्स हैं वो आपके सॉरी जो आयनिक आयन क्रिस्टल्स हैं वो आपके अन आयन क्रिस्टल्स में चेंज होंगे क्योंकि एच और ए मतलब यूरियड क्रिस्टल्स और आपके जो हर्जन आयन है वो मिलके एक तरीके से अनऑर्नाइज क्रिस्टल्स बनाएंगे और वो इंक्रीज होगा नंबर ऑफ क्रिस्टल्स में सो इट मे कॉज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स एंड इट मे ऑल्सो इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दिट मे कॉज द इन्फ्लामेशन एंड द पेन एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इट मे ऑल्सो रिलीज द काज रिलीजिंग रिलीजिंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इट मे कॉज रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम विच मे डिस्ट्रक्ट द जॉइंट्स तो ये जो रहसमल एंजाइम्स हैं वो आपके टिश्यूज़ को वो आपके जॉइंट्स को आपके कार्टिलेज को टेंडन को डैमेज कर सकते हैं उस एरिया के तो उससे आपके जो कंडीशंस हैं जो प्रोग्रेशन है गौड़ के वो इंक्रीज होते रहते हैं अब यहाँ पे रोल क्या है आपके कोल्चीसिन का तो कोल्चिसिन बेसिकली बाइंड विद द ट्यूबुलेंट प्रोटीन ऑफ द माइक्रोटिब्यूल्स एंड इनिबिट द पॉलीमराइजेशन ऑफ द माइक्रो ट्यबूल्स एंड फर्दर इनिबिट द कीमोटैक्सिस फैक्टर और कीमोटैक्सिस प्रोसेस ऑफ द ग्लिनोसाइट्स एंड डिक्रीज देयर हेकोसाइटिक एक्शन एंड फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज तो अल्टीमेटली कॉन्सिक जो है आपके सेल्स के अंदर में जो ट्यूबिल प्रोटीन्स हैं जो माइक्रो ट्यूबल का पार्ट है उसको बाइंड करता है उसको बाइंड होने के बाद वो एक तरीके से मूवमेंट हैं आपके डब्ल्यू बी सीज का आपके ग्लिनोसाइड्स का आपके उस साइड्स पर इंटोमेटिक साइड्स पर उसको इनबिट कर देते हैं उसको इनबिट करने की वजह से जो आपके मेन पाथवेज हैं आपके ये पाथवेज हैं वो इनमिट हो जाएंगे अल्टीमेटली इस पाथे को कोल्चीसिन इनबिट करता है इससे फिर आपके जो फर्दर प्रोसेस हैं वो कम हो जाएंगे ठीक है सो दिस इज द बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ द कोल्ची नाउ कम टू द अदर एक्शंस सो फर्स्ट इज द एंटी माडोटिक एक्शन क्योंकि ये आपके ट्यूबेन प्रोटीन्स को अटैक करते हैं ट्यूबेन प्रोटीन्स की जो प्रोनाइजेशन है उसको इनहिबिट करते हैं इसलिए इट मे सोज द एंटी मायोटिक एक्शन मीन्स इट अरेज द मेटाफेज़ जो आपके सेल डिजन का पार्ट है मेटाफेज में अब आप जो आपके ट्यूबुल प्रोटीन का मेन रोल होता है आपके माइक्रो ट्यूबल्स का उसको हिमिट करके आपके उस फेज को अरेस्ट कर देता है ब्लॉक कर देता है ठीक है मीन्स अल्टीमेटली इट डिक्रीज द सेल डिजन प्रोसेस एंड द सेकंड इज द इट इंक्रीज द गट मोर्टेलिटी बाई द इट्स बाई इट्स न्यूरोनल मैकेनिज्म ठीक है बात करते हैं उसके फार्मोकोकेंटिक्ट फल के बारे में सो बात कर हैं इसके फार्मोकॉटेक्ट फल के बारे में तो ये आपके ओरल एक्टिव हैं मीनस हम इसको ओरली ले सकते हैं या ओरली वेल एब्जॉर्ब होता है एंड इट इज मीटलाइज्ड इन द लीवर ये लीवर के अंदर मिटालाइज होता है एंड स्कीट थ्रू द बाइल इन फर्स्ट फेस ठीक है ये बाइल के थ्रू स्कीट होने की कोशिश करते हैं बट इट अकर्स द इंट्रोहेपेट इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन लेकिन ये इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस हमारे ब्लड में या सर्कुलेशन में आ जाते हैं वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फाइनली इट मेट बी डिस्पोजल बाई द यूरिन ये यूनिट के थ्रू अल्टीमेटली बाहर निकलते हैं तो ये उसके बेसिक प्रोसेस है एडीएमई के नाउ कम टू द ई डी आर और टॉक्सिटी ऑफ द कोचिसिन सो इट्सोज द डोज एंड द हायर डोज डिपेंडेंट नोजिया वोमिटिंग डायरिया प्लान एंड द ओवर डोज इट मे कॉज द सीनियस डेमेज सॉरी सीनियस डिप्रेशन किडनी डेमेज जाय ब्लीडिंग एंड इट मे कॉज द डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड द मस्कुलर पैरालिसिस तो ये कुछ कंडीशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं क्योंकि ये जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स वो करते हैं आपकी किडनी को ख़राब कर सकते हैं आपके सीनेस को डिब्रेस कर सकते हैं आपके जी आई कर सकते हैं आपके डेथ भी कॉज कर सकते हैं इसलिए जो है एक्यूट गॉड के ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है वो आपके एन हैं एन ही हम प्रिफर करते हैं कोल्चीसिन बहुत ही करियरली यूज़ करते हैं अगर कोई भी जो ड्रग हैं वो अगर एनिसाइडिस से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो या फिर कोस्टोकोस्टाइट से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो तो हम इसका यूज़ करते हैं बाकी हम मेनली जो है एनिसाइडिस ही यूज़ करते हैं अगर एनेसाइडिस और कॉल्चिस दोनों जो है इफेक्ट शो नहीं कर रहे हो तब केस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं ठीक है सो so, बात करें इसके यूज़ की तो इट इज मेनली यूज इन द एक्यूट गॉट ट्रीटमेंट एंड एक्यूट अटेक ऑफ गॉट ट्रीटमेंट द डोज इज अप्रोक्सीमेटली पॉइंट फाइव एम जी फॉर द थ्री टू फोर वन टू थ्री हावर एंड द मैगजम डोज इन पर डे थ्री टू फोर डोजेज इन द वन एडे वन से डे एंड मैगजम डोज इज अप्रॉक्सीमेटली सिक्स एम जी ओवर द थ्री टू फोर डेज तो जब आपके फर्स्ट शेड्यूल है ट्रीटमेंट का वो तीन से चार दिन तक का हो सकता है हम इसमें जो है दिन में तीन तीन बार अप्रोक्सीमेटली फी फाइव एम जी का टेबलेट देते हैं अगर हम सेकेंड फेज शुरू करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सात दिन का वेट करने के बाद ही हम उसको शुरू कर सकते हैं सो दिस इज द बेसिक हार्डोलॉजी ऑफ द कोल्ची सिन तो इसका जो मैटर है हमने केडी रिकॉर्डिज से लिया हुआ है इसको भी नोट कर सकते हैं आप एंड इफ यूट नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग